वहीं अलवर के उद्योगनगर थाना इलाके में एक 7 वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस ने न्यायालय के समक्ष पीड़िता के बयान को दर्ज करवाया है। थाना प्रभारी शिवराम ने इस पर बताया कि उद्योगनगर थाना इलाके में आरोपी ने घर में सो रही बालिका से दुष्कर्म किया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी निरंजन प्रजापत को गिरफ्तार किया है। अलवर से आपको घटना बता रहे हैं, एक 7 वर्ष की मासूम बालिका के साथ में दुष्कर्म की यह घटना बेहद ही विभत्स, ये पूरी घटना। हालांकि पुलिस ने जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि रात को सोते समय इस बालिका के साथ में दुष्कर्म किया गया, बयान उसके दर्ज किए गए और उसके बाद में पुलिस ने आरोपी निरंजन प्रजापत को गिरफ्तार फिलहाल कर लिया है और आगे की कार्रवाई में फिलहाल पुलिस जुट गई है। पीड़िता के बयान दर्ज हो गए हैं। 7 वर्ष की मासूम बालिका के साथ में दुष्कर्म का ये पूरा मामला अलवर से खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। घटना की जानकारी के बाद परिजनों के साथ में पीड़िता को लेकर पहुंचे और पीड़िता के बयान दर्ज करवाए गए। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और पूरी कार्रवाई करके आरोपी निरंजन प्रजापत को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि नींद में सोते वक्त इस बालिका के साथ में, इस बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया गया। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए अलवर से वन संवाददाता चंद्रशेखर फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, बेहद ही विभत्स ये पूरी घटना रही, एक 7 वर्षीय छोटी बालिका के साथ में दुष्कर्म की घटना, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, MIA थाना इलाके का मामला है। बालिका के साथ ये घटना तब भी जब घर पे अपने सो रही थी जी। तो आरोपी उसी गांव का रहने वाला है और इन्होंने मौका देखकर बालिका को उठाकर ले गया था जी। और ये दुष्कर्म की घटना की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आज कोर्ट में पेश किया गया है। साथ ही पुलिस की ओर से 164 के बयान न्यायालय में बालिका के दर्ज करवाए गए हैं। इस घटना के बाद गांव में आक्रोश की स्थिति है, क्योंकि पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया, इसलिए पुलिस के विरुद्ध कोई आक्रोश नहीं है, लेकिन जो इस तरह की घटना हुई है उसको लेकर काफी गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। चंद्रशेखर, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या इस व्यक्ति ने अपना गुनाह कबूल कर लिया? बिल्कुल, चूंकि आरोपी को नामजद आरोपी है, बालिका ने आरोपी को पहचान लिया गया है, 164 के बयान भी हो चुके हैं और कोर्ट में बयान चूंकि बालिका ने पहचान लिया उसके बाद कोई वो नहीं रहता, 164 के बयान दर्ज हो चुके हैं और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।